नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के खाते से नगद राशि के आहरण की प्रक्रिया को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, प्रत्येक विद्यालय या संस्था की बात करें तो छोटी छोटी वस्तुओं का क्रय करना होता है और जब हम क्रय करते हैं तो हम नगद भुगतान कर देते हैं, ठीक है। और नगद भुगतान के लिए निश्चित ही हमारे पास पे नगद राशि होनी चाहिए। तो साथियों, इसी बात को हम आज के इस वीडियो में जानते हैं, समझते हैं। जुलाई 2019 में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक दिशा निर्देश प्रदान किया गया है और उस दिशा निर्देश में इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। और साथियों, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने अंकित करके रखा है और यहीं से हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बिंदु देखिएगा क्या है कि 100-200 रुपए की वस्तुओं का क्रय। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि भाई हमको विद्यालय या कोई संस्था है तो छोटी मोटी वस्तुओं की आवश्यकता होती है और हम उनको आकस्मिक व्यय कर लेते हैं। अब उदाहरण के लिए विद्यालय में चाक खत्म हो गई तो भाई हमको विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए चाक का तो क्रय करना पड़ेगा, है ना, तो ये कहलाएगा आकस्मिक व्यय। तो इसी तरह कई आकस्मिक व्यय हैं, उनको करने के लिए हमको नगद राशि का आहरण करना होगा। तो इस हेतु देखिएगा, संस्था विद्यालय के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिन्हें हम फेरी वालों या फुटकर विक्रेताओं से खरीद लेते हैं और उन्हें नगद राशि का भुगतान कर देते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पढ़कर बताया, भाई विद्यालय के लिए कोई भी सामग्री हमको क्रय करना है, उदाहरण के लिए हमको झाड़ू का क्रय करना है, ठीक है, तो हम किसी फेरी वाले से ही झाड़ू का क्रय करेंगे और भाई उसको तो हम चेक देंगे नहीं, उसको सीधे हम नगद भुगतान ही करेंगे। इसी तरह से उदाहरण के लिए हमको बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं जन शिक्षा केंद्र से या फिर विकासखंड मुख्यालय से यदि उसका परिवहन करते हैं विद्यालय तक तो फिर हमको भाड़ा देने की आवश्यकता होती है, ठीक है, वाहन मालिक को, तो ऐसी स्थिति में उसको भी हम नगद भुगतान ही करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नगद भुगतान जो छोटे छोटे भुगतान होते हैं उनको नगद ही दिया जाता है, इसके लिए हमको राशि की आवश्यकता पड़ती है। अब साथियों, दूसरा जो बिंदु है यहां पर आप देखेंगे, दूसरे बिंदु में बैंक से नगद आहरण। तो बैंक से नगद आहरण की जो प्रोसेस है इसको मैंने यहां पर लिखकर रखा है। देखिएगा, खरीदी नियमानुसार 1000 रुपए से कम लागत की वस्तु का क्रय करने में दुकानदार को सीधे नगद भुगतान कर दिया जाता है, जबकि 1000 से ऊपर की लागत की सामग्री का क्रय करने पर चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। साथियों, जो खरीदी नियम है ना, या राज्य शिक्षा केंद्र के जो दिशा निर्देश है उसके आधार पर यदि कोई सामग्री 1000 रुपए से कम लागत की है, कोई सामग्री 50 रुपए की है, कोई सामग्री 200 की है, कोई सामग्री 500 की है, ठीक है, जितने भी लागत की किंतु उसकी कीमत 1000 से कम है, तो ऐसी वस्तु को जब हम क्रय करते हैं तो उसका हम सीधे नगद भुगतान कर देते हैं। ऐसी वस्तुओं के भुगतान के लिए चेक देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, यही बात यहां पर बताई गई है। जबकि 1000 से ऊपर की कोई सामग्री है यदि उसका उसकी जो कीमत है उसका मूल्य 1000 से ज्यादा का है तब ऐसी स्थिति में उस वस्तु का भुगतान करने के लिए दुकानदार को चेक प्रदान किया जाता है और चेक कैसा होता है, क्रांड चेक होता है, अर्थात अकाउंट पे चेक होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि भैया नगद जो भुगतान है वो कितने रुपए से कम लागत की मूल्य की वस्तु के लिए होना चाहिए, 1000 से कम। अब खरीदी नियम की हम बात करें तो साथियों आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश भंडार क्रय की जो नियमावली है उसके आधार पर क्रय किया जाता है और देखिएगा पूर्व के किसी वीडियो में मैंने इस संबंध में आपको जानकारी भी प्रदान की है, ठीक है। अब साथियों ये बात हो गई, आपको ये बात समझ में आ गई कि भैया 1000 से नीचे मूल्य की कोई वस्तु है तो उसका हम नगद भुगतान कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम ये भुगतान करने के लिए एसएमसी अर्थात शाला प्रबंधन समिति का जो खाता होता है जो कि एसएमसी के अध्यक्ष और सचिव अर्थात जो पदेन सचिव विद्यालय के संस्था प्रधान होते हैं उनके नाम से खाता होता है, तो उस खाते से हम नगद आहरण कैसे करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है मैंने कि रुपये 1000 से नीचे के व्ययों के लिए विद्यालय के किसी एक शिक्षक को अग्रिम चेक के माध्यम से दिया जावे, ठीक है, उसके द्वारा इस राशि से आकस्मिक व्यय कर अग्रिम राशि का समायोजन किया जाता है। साथियों इसके लिए
क्या किया जाता है कि जो संस्था प्रधान है वो अपने साथी शिक्षक को या स्वयं भी एक चेक, अग्रिम चेक दिया जाता है। ठीक है, अग्रिम चेक अर्थात एक बेरर चेक दिया जाता है और उस चेक के माध्यम से बैंक से नगद आहरण कर लिया जाता है। और नगद आहरण कितना होना चाहिए? 1000 से कम का होना चाहिए। ठीक है, ये नगद आहरण कर लिया और हमारे पास में हमने लाके रख लिया राशि। और जब जब भी आकस्मिक व्यय हम करते हैं और उसका फिर समायोजन धीरे धीरे हम करते रहेंगे और जो कैशबुक है उसमें मेंटेन करते रहेंगे। ठीक है, और जो स्टॉक पंजी है, अस्थायी सामग्री की स्टॉक पंजी है, उसमें हम समायोजित करते, उसमें सामग्री का नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो राशि है उसका आहरण करेंगे और फिर उसका समायोजन करेंगे। अब देखिएगा, इसी के संदर्भ में आगे कुछ और जानकारी मैंने लिख कर रखी है कि राशि के आहरण हेतु प्रधान पाठक अपनी शाला के किसी भी शिक्षक को अपना प्रतिनिधि के रूप में चेक प्रदान करेगा। ठीक है, और चेक के जो माध्यम से राशि का आहरण करेंगे। और चेक कैसा होना चाहिए? बेरर होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने बताया। अब साथियों, बेरर चेक क्या होता है इसको भी संक्षिप्त रूप से समझ लीजिएगा। देखिए, बेरर चेक एक ऐसा चेक होता है जो कि जो खाता धारक है, जिनके नाम से खाता है, जैसे कि विद्यालय का खाता एसएमसी के अध्यक्ष और सचिव के नाम से होता है, तो ये जो खाता धारक है ये चेक प्रदान करते हैं अपने प्रतिनिधि को। जैसे कि मैंने यहां ऊपर बताया कि जो संस्था प्रधान है अपने किसी शिक्षक को अग्रिम चेक देंगे। ठीक है, तो चेक प्रदान किया जाता है और वो जो शिक्षक है वो बैंक में जाकर के, ठीक है, उस चेक के चेक को दे करके नगद आहरण कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, बेरर चेक में पीछे हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नहीं होती है। और शायद जो बेरर चेक है ये बहुत ही रिस्की चेक होते हैं। मान लिया जाए कभी धोखे से बेरर चेक गुम हो जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाता है, ऐसी स्थिति में जो अन्य व्यक्ति भी उस बैंक में जाकर के भुगतान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें पीछे हस्ताक्षर भी नहीं होते। ठीक है, तो इस प्रकार का चेक बहुत ही रिस्की होता है, इसको सावधानी पूर्वक ले जाकर के ही भुगतान करना चाहिए, किसी प्रकार से भी गुमने न पाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर बाय द वे बताने की बात यह है कि यदि इस प्रकार का चेक गुम जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति इसका भुगतान ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की राशि जो है वो ला करके अपने संस्था प्रधान को दे दी जाती है और संस्था प्रधान पर जहां भी आकस्मिक व्यय है उसको करते हैं और धीरे धीरे करके फिर इसका समायोजन कर लेते हैं। ठीक है, अब साथियों बात आती है चेक के प्रकारों की। तो यहां चेक के प्रकारों के बारे में लिखा है कि चेक चार तरह के होते हैं। पहला है खुला चेक, जिसे कि अंग्रेजी में ओपन चेक कहते हैं, और दूसरा चेक है बेरर चेक, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। ठीक है, बेरर चेक क्या होता है, और तीसरा चेक है क्रार्ड चेक, जिसे कि क्लोज्ड चेक कहते हैं, या इसी को अकाउंट पे चेक भी कहते हैं, और चौथा चेक है आदेश चेक, जिसे कि ऑर्डर चेक कहा जाता है। तो साथियों, इन चेकों के बारे में किसी अन्य कालखंड में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। और देखिएगा, हमारी संस्था में या हमारे विद्यालय में विशेष तौर से दो तरह के चेकों का प्रयोग किया जाता है, एक तो बेरर चेक नगद आहरण हित के लिए, और दूसरा जो अकाउंट पे चेक का उपयोग किया जाता है, किसी दुकानदार को 1000 से अधिक लागत की जब वस्तु का क्रय करते हैं तो उसको क्रार्ड चेक या अकाउंट पे चेक दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों इस तरह से इस वीडियो में, इस कालखंड में नगद आहरण की प्रोसेस के संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान की है। और साथियों, आपको इसके संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे वरिष्ठ शिक्षक, जैसा कि आप देख रहे हैं श्री डी एस पटले सर को, आपसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और सर का नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।